दोस्तों सब्जियों में जायका लगाने वाले टमाटर भी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि टमाटर के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं और इसकी बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जन की थाली पर भी पड़ रहा है। और वहीं सेलिब्रिटीज भी टमाटर के बढ़ते दामों से परेशान हो रखे हैं। और हाल ही में बॉलीवुड में अन्ना के नाम से मशहूर सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने भी बताया कि कैसे उन्हें भी टमाटर के टेस्ट के साथ समझौता करना पड़ रहा है। देखिए, सुनील शेट्टी जी ने कहा कि वे इन दिनों कम टमाटर खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा लोगों को लगता है कि वो उतने बड़े सुपरस्टार हैं तो चीजें उन्हें प्रभावित नहीं करती होंगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें भी बढ़ती कीमतों के साथ डील करना पड़ता है। देखिए, मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं और मेरी वाइफ माना सिर्फ एक दो दिनों का ही सब्जी खरीदते हैं और हमें फ्रेश सब्जियां खाना अच्छा लगता है। और सुनील शेट्टी ने कहा कि टमाटर के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं और इसका असर हमारे किचन पर भी पड़ता दिख रहा है। मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, इसकी वजह से मुझे भी सब्जियां खरीदने के लिए मोल भाव करना पड़ता है। और सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि वो फूड एप्लीकेशन के जरिए सब्जियां मंगाते हैं और उन्हें कहा कि अगर आप इन ऐप पर सब्जियों का रेट देखेंगे तो चौंक ही जाएंगे, वहां दुकानों से भी सस्ती सब्जियां मिलती हैं। हालांकि मैं ऐप से इसलिए सब्जी नहीं मंगाता क्योंकि वहां रेट बहुत कम है, बल्कि उनकी सब्जियां फ्रेश होती हैं। वहां ये भी पता चलता है कि ये सब्जियां कहां उगाई गई हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हम फिल्म स्टार्स को घर की समस्याएं पता नहीं रहती हैं। हालांकि कभी कभी हम नॉर्मल लोगों से ज्यादा अवेयर रहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुनील शेट्टी हिंदी सिनेमा के दमदार एक्टर होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और उनके कई होटल्स और रेस्टोरेंट भी हैं जिससे वो करोड़ों का व्यापार करते हैं। और सुनील शेट्टी रेस्टोरेंट मिस्चीफ डाइनिंग बार और क्लब S2O के मालिक भी हैं। और दोस्तों शायद यही कारण है कि सुनील शेट्टी को टमाटरों का इतना ज्ञान है, क्योंकि भाई होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले आदमी को तो टमाटरों की जरूरत बिल्कुल ही पड़ने वाली है, इसीलिए उनको टमाटरों के बढ़ते दामों से इतना फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, जब एक इतने बड़े सेलिब्रिटी को टमाटरों के बढ़ते दाम से फर्क पड़ रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी टमाटरों के बढ़ते दाम से परेशान हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।